17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कपड़े के एक पार्सल में विस्फोट हुआ था। अभी हम उसी जगह पर खड़े हैं, यही वो जगह है जहां ये विस्फोट हुआ था। और उसके बाद से जांच एजेंसियों ने, जीआरपी ने, आरपीएफ ने, एटीएस ने, यहां तक कि सामान्य पुलिस जो है बिहार पुलिस, उसने भी जाँच इस मामले की शुरू की है। और ये जांच कहां तक पहुंची है, जांच की क्या प्रगति है, हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद सुफियान, जिसके नाम से ये कपड़ा बुक कराया गया था, उसके बारे में ये एक तथ्य खुलकर सामने आया है कि झारखंड के चतरा से मोहम्मद सुफियान नामक एक व्यक्ति की तलाश एटीएस 2016 से कर रही है। ये संदिग्ध आतंकी है, इसका एक दोस्त मोहम्मद सामी जो पकड़ा गया था, जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा था, हरियाणा के रहने वाला था, जिसने ये खुलासा किया था कि उसने मोहम्मद सुफियान के साथ पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है आतंकी गतिविधियों की। तो उसके बाद से लगातार मोहम्मद सुफियान की तलाश की जा रही है, लेकिन सुफियान अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। इस बीच दरभंगा की ये घटना हुई और इस घटना ने पुलिस को और चौंकाया है और अब उस सुफियान की तलाश और तेज हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं उस सुफियान का कनेक्शन दरभंगा का जो इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल था उससे तो नहीं जुड़ा है, और दरभंगा का ये इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल था उसे फिर से ज़िंदा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। पुलिस ने इसके अलावा एक और मोहम्मद सुफियान अरशद नामक व्यक्ति का पैन कार्ड पता लगाया है, पैन नंबर पता लगाया है, और उस नंबर के आधार पर पुलिस ये जांच कर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये पार्सल वाला सुफियान यही व्यक्ति तो नहीं। एक तीसरा कनेक्शन और सामने आया है कि दरभंगा की जीआरपी ने सिकंदराबाद जीआरपी के साथ मिलकर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में उस दुकान पर छापेमारी की है और वहां जांच शुरू की है जिस दुकान से कपड़े का ये कपड़ा खरीदा गया था जिसका बंडल दरभंगा आया था। सैफी कलेक्शन नाम की ये दुकान है हैदराबाद के बंजारा हिल में, और दुकानदार ने जो हुलिया बताया है उसके आधार पर पुलिस ने एक स्केच तैयार किया है, और इस स्केच का ये पता चल रहा है कि इसका कनेक्शन कटिहार के किसी व्यक्ति से है। तो ये एक कटिहार कनेक्शन भी दरभंगा रेलवे स्टेशन के विस्फोट के मामले में सामने आया है। तो पुलिस फिलहाल 5 दिनों की ये प्रगति है कि पुलिस यहाँ तक पहुँची है, और ये निश्चित तौर पर अब ये जांच जिस दिशा में बढ़ रही है उसमें धीरे धीरे पुलिस को काफ़ी चौंकाने वाले तथ्य मिल रहे हैं। इसके पहले बांका के मदरसा में एक विस्फोट हुआ था और अररिया में भी एक विस्फोट हुआ था। इस वजह से ये शंका और गहरा रही है कि या तो दरभंगा को दहलाने की कोशिश थी, या दरभंगा एक करियर था जिसके माध्यम से बिहार के दूसरे इलाकों में आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही थीं। आने वाले समय में ही ये ज़्यादा इसकी जानकारी मिल पाएगी कि दरअसल ये क्या मामला था और इसका कहां तक कनेक्शन था। विजय कुमार श्रीवास्तव, ईटीवी भारत, दरभंगा।